हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जिसको हम कहते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। देखा, आपके लास्ट के दो वीडियोस में हमने देखा था सबसे पहले FCFS, दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। उसके बाद हमने SJF पढ़ा था और मैंने दो मोड डिस्कस किए थे आपसे, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो बेसिकली SJF के प्रिमिटिव वर्जन को ही हम SRTF कह रहे थे, ठीक है, शॉर्टेस्ट रन टाइम फर्स्ट के बारे में। अभी तीसरा हम देखिए, हमारे पास एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ठीक है। मतलब देखिए, एक तरीके से हम जितने भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे, हमारा वहां मेन एम होता है कितना इफिशियंटली हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा लें। तो अब हम देखिए प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या है, ये बहुत ही सिंपल है, बेसिकली इसमें कुछ होता नहीं है। देखिए, पॉइंट वाइज मैंने बता दिया है कि अ प्रायोरिटी नंबर जिसको हम इंटीजर कह रहे हैं इज एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेस। मतलब अभी हम न्यूमेरिकल एक प्रॉब्लम करेंगे, बता देंगे वहां पे कि हर एक प्रोसेस के आगे एक नंबर एसोसिएटेड होगा, उसी को हम प्रायोरिटी नंबर कहते हैं। और जिन भी आप इंग्लिश में भी जानते हैं, प्रायोरिटी मतलब होता है किसको हम कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, किसको महत्व दे रहे हैं ज्यादा, ठीक है। तो बेसिकली जो भी प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, हम उसको पहले सीपीयू एलोकेट करेंगे, जिससे कि उसका अपना एग्जीक्यूशन जो है सबसे पहले हो सके। दूसरा पॉइंट देखिए इसमें, कि द सीपीयू इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद द हाइएस्ट प्रायोरिटी। यही मैंने भी आपको बताया कि जिस भी प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी उसको हम सीपीयू सबसे पहले एलोकेट करेंगे। उसके आगे देखिए, इक्वल प्रायोरिटी प्रोसेसेस आर शेड्यूल्ड इन FCFS। इसका क्या मतलब है सर, आप पूछेंगे। तो इसका मतलब ये है सर कि मान लीजिए कि कोई दो प्रोसेस है, उसकी प्रायोरिटी मतलब उसके आगे जो इंटीजर एसोसिएटेड है वो सेम है। तो सेम है तो हम कैसे ये डिसाइड करेंगे किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देना है। तो उस केस में जो भी प्रोसेस पहले रेडी क्यू में एंटर किया हुआ होगा उसको हम सबसे पहले जो है सीपीयू एलोकेट करेंगे। वही ये कह रहा है, इक्वल प्रायोरिटी प्रोसेसेस आर शेड्यूल्ड इन FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वे, ठीक है। अब देखिए, मैंने बताया कि हर एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के दो मोड्स हैं, बेसिकली प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। सिमिलर वे में हमारे पास प्रायोरिटी के भी दो मोड हैं, नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव। जैसे हम पहले सॉल्व किया करते थे SJF के केस में, सिमिलरली इसमें भी करेंगे। नॉन प्रिमिटिव के केस में जब भी हमारे पास कोई प्रायोरिटी एसोसिएटेड है किसी प्रोसेस से, तो एट ए टाइम सारे आपके रेडी क्यू में अवेलेबल होंगे, आप वहां से डिसाइड कर लोगे कि हाँ किसकी प्रायोरिटी क्या, उसके एकदम सिमिलर वे में आप उसे असाइन कर दोगे सीपीयू। इसमें देखिए लिखा है मैंने, इट विल सिंपली पुट द न्यू हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस एट द हेड ऑफ द रेडी क्यू, ठीक है, एट द हेड ऑफ रेडी क्यू। वेयर एज इन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव में क्या होगा, इसमें अराइवल टाइम का एक कॉन्सेप्ट है कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ करेंट प्रोसेस, अगर उस दौरान कोई नया प्रोसेस आता है जिसकी प्रायोरिटी करेंटली रनिंग प्रोसेस से ज्यादा होती है, तो हमारा जो करेंटली रनिंग प्रोसेस है उसे हम स्टॉप कर देंगे एग्जीक्यूशन, उससे सीपीयू ले लेंगे और हम असाइन कर देंगे न्यूली जो प्रोसेस आया है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, उसे हम कहते हैं प्रिमिटिव। तो ये दो मोड्स थे। अब देखिए एग्जैक्टली, अब हमारे पास प्रायोरिटी जब पढ़ेंगे तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है हमारे पास एंट्रेंस में, वो पूछते हैं हमसे कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में प्रॉब्लम क्या होती है। तो देखिए, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का जो प्रॉब्लम होगा उसको हम कहते हैं स्टार्वेशन। ये ऑप्शन में आपको मिलेगा, उसको स्टार्वेशन कहते हैं। तो बेसिकली स्टार्वेशन होता क्या है, तो स्टार्वेशन बेसिकली देखिए होता क्या है, ये केस है प्रिमिटिव का स्टार्वेशन वाला, प्रायोरिटी में हम उस पर कैसे समझें। देखिए, मान लीजिए कि अराइवल टाइम डिफरेंट प्रोसेस का अलग अलग है, तो हमारे पास एक प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी बहुत कम है वो काफी देर तक रेडी क्यू में रह जाता है, और जितने भी प्रोसेस आते रहते हैं उनकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो जब ज्यादा देर तक वो रह जाएगा, जो प्रोसेस जो बहुत पहले आया था लेकिन क्योंकि उसकी प्रायोरिटी कम है इसलिए उसको हम सीपीयू एलोकेट नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आएगी दैट इज कॉल्ड स्टार्वेशन। इसमें क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है कि लो प्रायोरिटी प्रोसेस मे नेवर एग्जीक्यूट, मतलब जिसकी भी प्रायोरिटी की प्रोसेस कम होगी उसको हम कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, उस प्रॉब्लम को कहते हैं हम स्टार्वेशन। तो सर, ये स्टार्वेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कोई सोल्यूशन है? हाँ, सोल्यूशन है, ये भी क्वेश्चन एंट्रेंस में आया हुआ है, एमसी एंट्रेंस में, ध्यान रखिएगा। और उसका सोल्यूशन को हम कहते हैं एजिंग। तो अब आप समझेंगे सर ये एजिंग क्या है, व्हाट इज एजिंग। तो बेसिकली देखिए, एजिंग क्या है, एजिंग में हम करते क्या है, एजिंग में हम बेसिकली कुछ नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली होता है। होता क्या है कि जब भी हमारे पास कोई प्रोसेस जो पहले आया हुआ है वो काफी अगर टाइम तक एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, तो टाइम बाय टाइम जो है उसकी प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करती रहती है। तो एक टाइम तक इतनी ज्यादा उसकी प्रायोरिटी हो जाती है कि जो न्यूली अराइविंग प्रायोरिटीज है उससे ज्यादा होती है, तो वो फिर जो है उसको सीपीयू एलोकेट हो जाता है और एग्जीक्यूट कर जाती है। तो ये स्टार्वेशन का एक सोल्यूशन, जिसे कहते हैं एजिंग, ठीक है। अब देखिए, अनलाइक हमने हर एक जो भी क्राइटेरिया सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया पढ़ा है उससे रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किया है, बाकी आपके पास एमसी एंट्रेंस में आए हुए ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस आप उसे सॉल्व कर सकते हो। हम एक एक प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि आपको इससे हेल्प मिल जाए। तो देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास ये 5 प्रोसेसेस गिवन है और इन प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम गिवन है
और हर एक प्रोसेस से एसोसिएटेड एक प्रायोरिटी है, और प्रायोरिटी मैंने बताया था कि इंटीजर होगा, देखिए बेसिकली इंटीजर है, तो अब यहां पे देखिए जो सबसे कम इंटीजर होगा इट मींस कि वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, उसको हम पहले सीपीयू एलोकेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेसिकली हम आपने बताया था कि इस टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जहां पे हमें एवरेज वेटिंग टाइम पूछा गया है, वहां पे हम एक सिंपल एक चार्ट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं गन चार्ट, ठीक है, गन चार्ट बनाएंगे और ये इनिशिएट होगा जीरो से। अब देखिए सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर सबसे पहले कौन से प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट होगा, ठीक है। तो देखिए आप सबसे पहले प्रायोरिटी में देखेंगे वन नंबर जो है यहां पे है, तो इसका मतलब सर सबसे पहले जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा वो होगा पी टू, तो पी टू लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब पी टू हमने कर दिया, अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप पूछेंगे सर इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब मोड क्या होगा, नॉन प्रिम्प्टिव या प्रिम्प्टिव। देखिए जब हमें नहीं गिवन है अराइवल टाइम की कौन कब आ रहा है, अराइवल टाइम का जब कॉन्सेप्ट होगा तभी तो प्रिम्प्टिव की बात करेंगे, नहीं तो अदरवाइज एट अ टाइम हमारे पास सारी प्रायोरिटीज हमें पता है। मान लीजिए अराइवल टाइम गिवन होता कि P4 इतने देर बाद आया है, तब वहां पे हमारे पास प्रिम्प्टिव का एक कॉन्सेप्ट आता, लेकिन अभी नहीं गिवन है यहाँ पे अराइवल टाइम, सो इस क्वेश्चन को हम करेंगे नॉन प्रिम्प्टिव मोड में। अब देखिए सबसे पहले जो है हम P2 को लेंगे क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो P2 कितने सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करेगा, 1 सेकंड के, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, तो P2 जो है वो 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करेगा, इसका काम हो गया। अब देखिए प्रायोरिटीज वन के बाद क्या है, टू है, टू किसका है, P5 का, तो P5 जो है एलोकेट कर देंगे सीपीयू को, ठीक है। अब देखिए कितने देर तक एग्जीक्यूट करेगा, 5 सेकंड के लिए, तो 5 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब देखिए इसका भी काम हो गया। अब देखिए थ्री प्रायोरिटी किसका है, तो दो का है, P1 का और P3 का, ये दो प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी सेम है। तो मैंने बताया था कि जब दो प्रायोरिटीज की प्रोसेस सेम हो उस केस में डिसाइड हो कि हम किसको पहले सीपीयू एलोकेट करें, तो वहां पे हम देखते हैं FCFS। FCFS मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया होगा उसको हम पहले एलोकेट करेंगे। तो देखिए यहाँ P1 पहले आया तो P1 को हमने एलोकेट किया, P1 एग्जीक्यूट करेगा 10 सेकंड के लिए, तो इट मींस कि ये गया आपका 6 + 10 दैट इज 16, ठीक है। अब देखिए आगे P1 का काम हो गया। अब P1 के बाद P3 है, P3 को ले लेते हैं, P3 हमारे पास कितने सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करेगा, 2 सेकंड के लिए, तो 16 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 18, P3 भी हो गया। अब लास्ट में जो सबसे प्रायोरिटी है फोर, वो है P4 प्रोसेस की, जो 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करेगा, तो यहाँ पे हमने लिखा P4 और ये 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करेगा, तो दैट इज 18 + 1 19। देखिए ये आपका एक गन चार्ट बन गया, और मैंने बताया था जब गन चार्ट बन गया तो यहाँ से वेटिंग टाइम पता करना बहुत आसान है। तो मैं डायरेक्टली अगर एवरेज वेटिंग टाइम की बात करूं तो सम ऑफ वेटिंग टाइम ऑफ P1 P2 P3 P4 P5 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस दैट इज इक्वल्स टू 5। तो P1 का वेटिंग टाइम अगर आप देखें इसमें, तो P1 का वेटिंग टाइम यहां से देखिए तो P1 को कितना वेट करना पड़ा है, 6, तो P1 का 6 प्लस P2 का वेटिंग टाइम का अगर हम बात करें तो P2 को वेट नहीं करना पड़ा, सबसे पहले इसको मिल गया था सीपीयू एलोकेट इसलिए 0। P3 की वेटिंग टाइम की अगर हम बात करें तो P3 हमारा यहां है, P3 को वेट करना पड़ा 16 सेकंड के लिए, प्लस P4 की अगर हम बात करें तो P4 को हमें वेट करना पड़ा 18 सेकंड के लिए, ठीक है, प्लस और अगर हम P5 की बात करें तो P5 को अगर हमारे पास वेटिंग टाइम कितना है 1, ठीक है। इन सब को ऐड करके अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो 16 + 6 22 22 + 18 दैट इज 40 40 + 1 41 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल्स टू 8.2, ठीक 8.2 आए। तो ये हमारा जो है एवरेज वेटिंग टाइम है, एक क्वेश्चन हमने इसे बता दिया, बाकी आप क्वेश्चंस और सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, ठीक है, तब तक के लिए।